दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर की वायरिंग कैसे होती है। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप 100% रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की वायरिंग कर पाओगे। दोस्तों अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी समय आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी लिख दीजिएगा ताकि अगर आपकी उसी समय कुछ मदद कर सकूँ तो मैं आपको फोन के जरिए भी कर सकूँगा अगर आपको कमेंट बॉक्स में सही से मदद नहीं हो पाएगी तो। तो दोस्तों आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर आपके समझ में नहीं आए तो ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के अंदर वर्किंग क्या होती है वो समझना है। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के अंदर हमारी एक मोटर है, सिर्फ एक ही मोटर होती है। उस मोटर को हमको एक बार उल्टा घुमाना पड़ता है और एक बटन से हमको सीधा घुमाना पड़ता है। हमारे पास तीन बटन होता है, एक हो गया हमारा फॉरवर्ड का, एक हो गया हमारा रिवर्स का और एक हो गया हमारा स्टॉप का। ये बटन को दबाऊंगा मेरी मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, ठीक है। ये बटन दबाऊंगा मेरी मोटर इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए और ये बटन दबाऊंगा मेरी मोटर स्टॉप हो जानी चाहिए, बस यही फंक्शन है। तो दोस्तों इसकी हमारी वायरिंग कैसे होती है, हम कॉन्टैक्टर के अंदर कैसे कैसे तार जोड़ते हैं वो मैं आज आप 100% सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ पावर वायरिंग। कोई भी स्टार्टर होता है दोस्तों उसकी वायरिंग जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है पावर की और एक होती है दोस्तों कंट्रोल की। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पावर वायरिंग, फिर बात कर लेंगे हम कंट्रोल वायरिंग के ऊपर। तो दोस्तों देखो पावर वायरिंग के अंदर क्या होता है, हमारे जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है इसके अंदर हमारे दो कॉन्टैक्टर होते हैं। आपने ड्यूअल स्टार्टर तो आपको आता ही होगा, काफ़ी सिंपल है ड्यूअल स्टार्टर, उसके अंदर सिर्फ एक स्टार्टर होता है। पर इसके अंदर हमारे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के अंदर हमारे दो स्टार्टर होते हैं, बाकी वर्किंग पूरी की पूरी सेम होती है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हमारी MCB लगाई, इस MCB के अंदर हमने RYB दिया और इस MCB से जो RYB आउटपुट में निकला वो हमने इधर जोड़ दिया RYB। जैसे ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर मान लेते हैं और ये जो कॉन्टैक्टर है ये रिवर्स कॉन्टैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। ये सीधी घूमेगी मोटर और ये रिवर्स का मतलब उल्टी घूमेगी। दोस्तों यहाँ पे तो मैं आपको प्रैक्टिकल टाइप में समझाता हूँ, यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देता हूँ, कभी आप ड्राइंग बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हमारी MCB के अंदर RYB के, तो ये हमारी MCB की ड्राइंग, ठीक है। इसके अलावा MCB में आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं क्योंकि दो प्रोटेक्शन हमको MCB देती है। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया Y और ये हो गया B। MCB ऑन करी, RYB हमको यहाँ पे मिल गए। अभी जो RYB है ये हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये मैं कॉन्टैक्टर की ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर मान लीजिए, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर हमारा इतना हो गया, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और यहाँ पे मैं एक और रिवर्स कॉन्टैक्टर बना देता हूँ, तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर हो गया, रिवर्स कॉन्टैक्ट। ये तीनों जो कॉन्टैक्ट है ये NO कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, ये अगर गैप दिख रहा है इन दोनों के बीच में तो ये NO है और NC जो होगा वो NC कुछ इस तरीके से भिड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो क्या करेंगे, जो हमारा जो RYB है यहाँ पे हमने कैसे जोड़ा, RYB ऐसे जोड़ा, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे R से R जोड़ देंगे, सीधा का सीधा R से R जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। बाकी बचा YB, तो इसमें क्या करूँगा दोस्तों, मैं चेंज कर दूंगा, इधर मैं Y, जैसे इधर Y जोड़ रखा है ना, तो इधर मैं ब्लू जोड़ दूंगा और इधर मैं R जोड़ दूंगा। तो ये जो ब्लू है ये ब्लू मैं बीच में जोड़ दूंगा, एक हमको चेंज करना चाहिए, जिससे चेंज करने से क्या होगा, अब जैसे ब्लू इधर थर्ड पॉइंट पे जा रहा था तो इधर मैंने ब्लू सेकंड पॉइंट में जोड़ दिया, ये क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और इधर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया येलो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों RYB, ये का ये आ गया MCB से, पर इसके अंदर क्या है रेड, फिर हो गया ब्लू, फिर हो गया हमारा येलो, इसमें चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मोटर है, ये मेरी मोटर है, ठीक है, ये मेरी मोटर है और इस मोटर से मेरे तीन तार आ रहे हैं, ये तीन तार, ठीक है। इसमें भी हमारी जो मोटर है, इस मोटर से हमारे तीन तार आ रहे हैं, एक दो तीन, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों मैं जोड़ देता हूँ, पहले आपको ये जो रिवर्स, ये हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट है मैंने, तो मैंने सप्लाई दे दी, तो रिवर्स में भी दे देता हूँ। तो ये रिवर्स में दे दी मैंने, R से R जोड़ दिया, ठीक है, ये R से R जुड़ गया। फिर बाद में मैंने ये जो है येल्लो, ये येल्लो मैंने लास्ट पॉइंट पर दिया और जो ब्लू है ये ब्लू बीच में दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया R, ये हो गया ब्लू और ये हो गया येलो, यहाँ पे है RY और ये भी, ठीक है। थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्योंकि एक मोटर को सीधा घुमाने के लिए और एक मोटर को उल्टा घुमाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये मेरी मोटर के जो तीन तार है, इस तीन तार को कैसे जोड़ूंगा, सबसे पहले मेरी जो मोटर के तार है ये मैं ओवरलोड रिले के अंदर डालते हुए जाऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा दी, ओवरलोड रिले, ठीक है, OLR जिसको बोलते, ये हो गई OLR। इधर भी मैं ओवरलोड रिले बना देता हूँ, ये हो गई हमारी ओवरलोड रिले, ठीक है। अब दोस्तों जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले के तीन तार यहाँ से जो निकले वो मैं सबसे पहले हमारे किसी भी एक स्टार्टर में डाल दूंगा और ये का ये इधर का जो है वो इधर जोड़ दूंगा, यहीं से मैं ले जा सकता हूँ या फिर यहाँ से भी उठा सकता हूँ, यहाँ से मैं लूप ऐसे जोड़ दूंगा, ठीक है, ये जोड़ दिया। इसी तरह मैं यहाँ पर भी ये ओवरलोड रिले के तीन तार इधर जोड़ दिए और यहीं से मैं ये तीन तार इधर ले जाके भी जोड़ दूंगा सीधे के सीधे। अगर दोस्तों मैं ऊपर से चेंज नहीं करता, ऊपर से अगर मैं फेस चेंज नहीं करता तो मेरे को यहाँ पे मोटर के जो तार है इन मोटर के तार में थोड़ा चेंजिंग करना चाहिए। तो दोस्तों पावर वायरिंग में इतनी दिक्कत भी नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फटाफट समझाने की कोशिश करी है। कंट्रोल वायरिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ऐसे भी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत ही आसान होती है, मैं भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा।
तो दोस्तों अगर आपसे पावर वायरिंग में कुछ समस्या आ रही है या फिर अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कंट्रोल वायरिंग की। देखो दोस्तों कंट्रोल वायरिंग के अंदर क्या होता है, हमारा 3 बटन होता है, एक होता है हमारा मोटर को सीधा घुमाने के लिए, एक होता है मोटर को उल्टा घुमाने के लिए और एक होता है हमारा स्टॉप के लिए। आप चाहो तो स्टॉप का बटन रख सकते हैं, आप ना चाहो तो स्टॉप का बटन ना रखें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहीं पे पूरा समझ जाएंगे स्टॉप का बटन रखने के साथ भी स्टॉप का बटन नहीं रखने के बाद भी। तो दोस्तों देखो सबसे सिंपल चीज़, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्टर बना देता हूँ, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर और ये हो गया हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर। दोस्तों आपको इसकी वायरिंग आने से पहले आपको ड्यूल स्टार्टर आना चाहिए। अगर आपको ड्यूल स्टार्टर आता है ना तो आप ये वायरिंग काफ़ी आराम से सीख जाओगे। अगर आपको ड्यूल स्टार्टर नहीं आता है तो ड्यूल स्टार्टर के अंदर दोस्तों जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको NO NC क्या होता है बिल्कुल बेसिक से भी समझा रखा है। तो आप पहले ड्यूल स्टार्टर को देखोगे तो आपको ये वायरिंग भी काफ़ी आराम से समझ में आ जाएगी। फिर दोस्तों इस वीडियो को देखिए, आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखो सबसे पहले फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर दोनों कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर हमारा A1 एंड A2 कॉन्टैक्ट होता है आपको पता ही है। तो हम A2 के अंदर हमारा न्यूट्रल डायोड दे देते हैं। अगर कॉन्टैक्टर हमारा 440 वोल्टेज का है तो हम यहाँ पे फेयर डायोड दे देंगे A2 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया A2 पॉइंट, ये हो गया हमारा A2 पॉइंट, ठीक है। अगर हमारा कॉन्टैक्टर की कॉइल 220 वोल्टेज के तो यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिएगा, और अगर 440 वोल्टेज के तो यहाँ पे फेज दे दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और फेज चाहिए हमको यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए, तो वो कैसे लाएंगे। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हमारा जो फेज है वो फेज हम उठाएंगे हमारे MCB से, जो हमने RYB यहाँ पे RYB उपयोग में लिया MCB, यहाँ से हम एक फेज कोई सा भी उठा लेंगे और उसको उपयोग में ले लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डालेंगे ओवरलोड रिले के, हमारी जो ओवरलोड रिले है उस ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ये ओवरलोड रिले और इसका NC कॉन्टैक्ट में डाल देंगे। इस ओवरलोड रिले के जो NC से आउटपुट में निकलेगा, क्योंकि अभी हमारी मोटर ज़्यादा करंट ले ही नहीं रही, ये ओवरलोड रिले का काम क्या होता है, हमको प्रोटेक्शन देना। कभी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेती है तो ये जो यहाँ पे जो फेस हमने जोड़ रखा है वो हमको यहाँ पे मिलता ही नहीं है। हमारी मोटर जब ज़्यादा करंट लेगी तो वो हमको यहाँ नहीं मिलेगा, पर अभी हमारी मोटर बराबर करंट ले रही है तो हमको ये फेस यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मिलने के बाद में हम यहाँ जोड़ेंगे स्टॉप पुश बटन। अगर आप स्टॉप पुश बटन नहीं जोड़ना चाहते तो आप आगे का देखिएगा, अभी मैं स्टॉप पुश बटन जोड़ के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया स्टॉप पुश बटन, ठीक है। स्टॉप पुश बटन नहीं जोड़ना आपको तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट का पुश बटन जोड़ देंगे। अभी स्टार्ट के पुश बटन भी हम दो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा स्टार्ट का पुश बटन, ये हो गया हमारा NO, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो स्टार्ट के पुश बटन लग जाएंगे, एक ये हो गया और एक जुड़ जाएगा यहाँ पे एक और स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। यानी जो स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट निकलेगा उसमें हमारे दो पुश बटन लगेंगे, दोनों NO लगेंगे, एक हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड का और एक हो जाएगा हमारा रिवर्स का, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा इसका जो आउटपुट निकलेगा, इसका आउटपुट हम डायरेक्ट भी यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया, मैं आपको समझाऊंगा दोनों चीज़। जैसे मैंने अभी यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया, तो जैसे ही मैं इस फॉरवर्ड को दबाऊंगा तो मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेरा फॉरवर्ड में जैसे ही फेस मिलेगा, जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा मेरे फॉरवर्ड में फेस मिल जाएगा और मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं रिवर्स का पुश बटन दबाऊंगा तो मेरे रिवर्स में फेस मिल जाएगा और मेरा रिवर्स का कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक इंटरलॉकिंग दूंगा। इस इंटरलॉकिंग का काम क्या होता है दोस्तों, इसके बीच में जैसे कभी मैंने फॉरवर्ड का दबा रखा है और साथ साथ मैं रिवर्स भी दबा दिया तो मेरी मोटर के अंदर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स का भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम एक इंटरलॉकिंग करते हैं। उस इंटरलॉकिंग को कैसे करते हैं, जैसे ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के अंदर दोस्तों एक NC का टर्मिनल और लगाएंगे, एड ऑन ब्लॉक आपने सुना होगा, उस एड ऑन ब्लॉक में एक NC को उपयोग में लेंगे, ठीक है। तो ये जो वायर हमने यहाँ जोड़ रखा है ना, इसके बीच में, यानी आप ये समझ लीजिए जो वायर है ये वायर यहाँ पे आएगा, इस कॉन्टैक्टर के यहाँ पे आएगा, यानी जो हमारा जो रिवर्स को स्टार्ट करने का है वो रिवर्स का वायर हमारे सबसे पहले फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर में आएगा। उस फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर के जैसे ये निकला और ये यहाँ पे घुसेगा और यहाँ से घुसने के बाद जो NC का आउटपुट निकलेगा वो जाके हमारा इधर जुड़ेगा, ऐसे होता है दोस्तों। ये होती है हमारी इंटरलॉकिंग। और अगर फॉरवर्ड की इंटरलॉकिंग करनी है तो ये वायर हमारे सबसे पहले जाएगा रिवर्स के यहाँ पे NC में, और NC का जो आउटपुट निकलेगा वो जुड़ेगा जाके फॉरवर्ड में। तो दोस्तों ये होती है हमारी इंटरलॉकिंग। ये इंटरलॉकिंग काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं करते तो हमारा रिस्की वाला खेल हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बना दूँ तो ड्राइंग बहुत ही सिंपल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे फेस लिया, फेस सबसे पहले फेस का आउटपुट जो निकला सबसे पहले मैंने ओवरलोड रिले के अंदर डाला था, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट से निकला और फिर बाद में यहाँ पे जोड़ दिया स्टॉप पुश बटन, ठीक है। ये हो गया स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन से जो आउटपुट निकलेंगे, मैंने आपको बताया दो आउटपुट निकल जाएंगे, तो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला जो आउटपुट होगा, ये पहले आउटपुट के अंदर मैंने स्टार्ट पुश बटन का जो NO लगाया वो लगाया मैंने फॉरवर्ड का, तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉरवर्ड का। और दूसरे में लगाया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ये भी NO ही होगा पर ये होगा हमारा रिवर्स का, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स का।
तो दोस्तों अब क्या होगा, जैसे ही मैं फॉरवर्ड का बटन दबाऊंगा तो मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर बना दूंगा। ये मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर हो गया, एफ कॉन्टैक्टर हो गया, और ये ए टू में मैंने न्यूट्रल डायग दे दिया। और अब ए वन में मेरे को जैसे ही फेस दूंगा मेरा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो रिवर्स है इस रिवर्स के कॉन्टैक्टर से एक एन सी को यूज में लूंगा। रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है उसके इससे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिवर्स का एन सी एक यूज में लूंगा और यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा। अब दोस्तों क्या होगा, अगर कभी मेरा गलती से ही रिवर्स का कॉन्टैक्टर स्टार्ट है, यानी अभी मैंने ये बटन दबा रखा है मेरा रिवर्स का कॉन्टैक्टर स्टार्ट है, तो मैं कितना भी ये फॉरवर्ड का बटन दबाऊंगा तो मेरी जो सप्लाई है वो यहीं पर आके रुक जाएगी, इधर से इधर जा ही नहीं पाएगी। कितना भी ये बटन दबा लूंगा, कितना भी ये बटन दबा लूंगा, मेरी सप्लाई इधर जा ही नहीं पाएगी। तो यही फायदा होता है। पर दोस्तों इसकी इंटरलॉकिंग कैसे होगी, इसकी इंटरलॉकिंग में दोस्तों जो रिवर्स है इस रिवर्स की इंटरलॉकिंग में मैं दोस्तों यहाँ पे जो एन सी यूज में लूंगा वो एन सी दोस्तों मैं यूज में लूंगा फॉरवर्ड का। इस फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर में जाएगा और इस फॉरवर्ड के कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा इंटरलॉकिंग देगा, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ए वन में। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी उसी समय मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाई तो दोस्तों मैं आपको फोन पर मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।